This news is co-sponsored by Anagha Aesthetics and Hair Transplant Center. नागपुर एयरपोर्ट पर आज तड़के डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग ने करीब 1,01,00,000 रुपए की कीमत का तस्करी किया जा रहा 2 किलो सोना जब्त किया। नागपुर हवाई अड्डे पर नागपुर पहुंचे संजय गौतम सेठिया को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग के अधिकारियों द्वारा चेक किया गया। चेकिंग के दौरान संजय के पास से 2 किलो सोना जब्त किया गया, ऐसी जानकारी सूत्रों से सामने आई। संजय सेठिया को लेने एयरपोर्ट पहुंचा उदय सेठिया ने जैसे ही विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करते देखा तो वह फौरन मौके से फरार हो गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार संजय गौतम सेठिया के घर की तलाशी लिए जाने पर 4 करोड़ रुपए नकद मिलने की जानकारी भी सामने आई। सोना उदय और राजू इसरानी के होने की जानकारी आई है। आपको बता देते कि दिवाली के चलते देश भर में सोने की मांग काफी बढ़ जाती है, जिसके चलते सोने के तस्कर सक्रिय हो जाते हैं और कानून की नजरों के आड़ में अपने कारनामों को इसी तरह अंजाम देते हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो सोना शारजहां की फ्लाइट से लाया जाता है वो 24 कैरेट खरा होता है, पर इसमें करीब 40% की मिलावट कर इसे धोखे से बेचा जाता है। बहरहाल डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस विभाग जानकारी देने से आनाकानी कर रहा है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रितेश बोरकर की खास रिपोर्ट। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस हैं पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए USFDA अप्रूव्ड ईईसीपी ट्रीटमेंट, जिससे 80-90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा ईईसीपी एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।